फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द अमेजिंग ब्लॉग। तो आज मेरे सामने खड़ी है कावासाकी की Z650RS। तो ये कुछ ग्रीन कलर में ग्रीन ब्यूटी है और 650 सीसी के साथ ये इंजन मिलती है। बाकी अगर आप कावासाकी ने ना इसको जब प्रोडक्शन किया था तो 1977 से लेके 1983 तक इसको प्रोडक्शन किया था। बाकी अगर आप इसकी स्टैंडर्ड क्लास की बात करते तो ये प्रॉपर स्टैंडर्ड क्लास में आती थी, और अगर आप इसके प्रॉपर इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते तो 650 सीसी के इंजन के साथ आती थी और बहुत ही ज़्यादा टॉर्क की। इंजन पावर की अगर मैं आपको बात बताता हूँ ना तो 64 हॉर्स पावर की इसके अंदर पावर मिल जाती थी। और अगर आप इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सुपर बाइक है, तो सुपर बाइक में आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बाइक है। पास में चलते हैं, डिटेल्स बताता हूँ बाइक की। तो जी की कुछ इस तरीके की दिखती है कावासाकी की ग्रीन ब्यूटी बाइक की। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बाइक है। लाइट्स की बात करते हैं ना तो कुछ इस तरीके की LED सेटअप में लाइट्स मिल जाती है, साइड में इंडिकेटर्स मिल जाता है और कुछ इस तरीके का मडगार्ड मिल जाता है। ग्रीन कलर में प्रॉपर बाइक मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। गोल्डन कलर में एलॉय व्हील्स हैं। अगर आप आगे की डिस्क ब्रेक की बात करते हैं तो फ्रंट में डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाता है। रेयर्स की बात करते हैं तो आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा ब्रेक कैपेसिटी के साथ आता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी की। पीछे का टायर एक बार आप देखो भाई साहब कितना ही ज़्यादा मोटा है। सुपर बाइक्स में इतना ही ज़्यादा मोटा टायर इसके अंदर आ जाता है। बाकी LED सेटअप पीछे मिल जाता है और प्रॉपर LED सेटअप के साथ ही बाइक आपको प्रॉपर मिल जाती है और कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक मिलता है। साइलेंसर की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का इधर एग्जॉस्ट मिल जाता है और कुछ इस तरीके का आपको Z650RS की बैजिंग मिल जाती है। 650 सीसी के इंजन में बहुत ही ज़्यादा पावर जनरेट करता है। यहाँ आपको बड़ा सा रेडिएटर ग्रिल मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का रेडिएटर ग्रिल मिल जाएगा। नीचे आपको एग्जॉस्ट पाइप भी दिख रहा होगा और कुछ इस तरीके का प्रॉपर लुक आता है बाइक का। इंजन स्पेसिफिकेशन बताता हूँ क्या कुछ इंजन स्पेसिफिकेशन है इसकी। तो जी बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की ना, तो ये BS6 इंजन मिल जाता है, 649 सीसी के इंजन के साथ मिल जाता है। ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता है, मतलब यानी कि 2 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। पावर टॉर्क की बात करते हैं तो 64 Nm का इसके अंदर टॉर्क मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है इस बाइक के लिए। और अगर आप इसकी पावर की बात करते हैं ना तो 68 PS की पावर निकाल के आपको देता है और ABS इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। ABS हो सकता है इसके अंदर ना हो। बाकी अगर आप इसके ओवरऑल लुक की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का मिलता है। 6 से 7 लाख के अराउंड आने वाली ये बाइक है और कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं या डिजिटल मीटर की बात करते हैं तो डिजिटल मीटर आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ आपको लाइट्स के मिल जाते हैं, ये आपको इंडिकेटर्स के मिल जाते हैं, ये हॉर्न के मिल जाते हैं, ये हजार्ड के मिल जाते हैं। बाकी ये किल स्विच है, ये इग्निशन ऑन के लिए है। और अगर मैं इसकी प्रॉपर की अगर इसके अंदर लगा के दिखाऊँ आपको कि अगर मैं जस्ट इसको ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से राउंड घूमता है और 240 तक का आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और RPM की बात करते हैं तो 12,000 RPM तक ही प्रॉपर जाता है और बीच में एक डिजिटल आपको प्रॉपर जो मीटर मिल जाता है वो मिल जाएगा और कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक मिलता है। सिलेंडर इसका जो टैंक भी है बहुत ही अच्छे खासे साइज में मिल जाता है, अराउंड ये 17 के अराउंड कैपेसिटी के साथ आता होगा, 17 लीटर की कैपेसिटी के अराउंड या 12 लीटर के। बाकी आप अगर इसके ओवरऑल लुक की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक मिलता है।
टायर साइज़ की अगर आप बात करते हैं इसकी, तो टायर साइज़ आपको 160 60 R 17 इंचेस की ये आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं कुछ इस तरीके की, और कितने ज़्यादा चौड़े हैं 170 और 160 के अराउंड ये आपको प्रॉपर चौड़ाई इसकी मिल जाती है। और जो ये है, और ये आपको जो व्हील्स मिलते हैं ना, ये आपको ना लो प्रोफाइल व्हील्स मिल जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। आप अगर इसके इंजन कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो सुपर बाइक्स ना बहुत ही ज़्यादा ना जो इंजन्स होते हैं इसके बहुत ही ज़्यादा पैक इंजन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैपी इंजन होते हैं, बहुत पावरफुल इंजन होते हैं इसके। और जो इसका जो सीटिंग पोस्चर है ना, जो अपनी 650 निंजा है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा रेस्ट वाला है, मतलब आराम से आप इस पर बैठ के चला सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव भी आराम से कर सकते हैं। कुशनिंग अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी लाइट्स की सीट्स की, तो बहुत ही अच्छी खासी कुशनिंग है, बहुत ही अच्छी कुशनिंग है, मतलब लॉन्ग ड्राइव आप आराम से कर सकते हैं। पीछे आपको ना LED सेटअप मिल जाता है कुछ इस तरीके का, इसके नीचे आपको हेलोजन सेटअप मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, और प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मस्त है, बहुत ही अच्छी खासी क्वालिटी मिलती है। जो पेंट क्वालिटी है, पेंट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और वेल मेंटेन पेंट क्वालिटी मिलती है, और ये भी बहुत ही अच्छा है। जो इसके अंदर जो सटलनेस है, या कहें इसके अंदर जो जो कलर का जो देखने का जो नज़रिया है, या कहें मतलब जो कलर जो दिखता है क्रिस्टल की तरह जो ग्लो करता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। आगे वाले टायर की बात करते हैं ना, तो डुअल डिस्क ब्रेक के साथ मिल जाता है, तो ऐसी बाइकों को हम कहते हैं सुपर बाइक। इसमें भी आपको लो प्रोफाइल व्हील्स मिल जाते हैं, और अगर आप इसकी प्रोफाइल की बात करते हैं तो 120 70 R 17 इंचेस के आपको ये प्रॉपर अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, सिल्वर कलर में ना मिलके गोल्डन कलर में मिल जाते हैं। और अगर आप इसके पाइप्स की बात करते हैं ना, तो कुछ इस तरीके का आपको प्रॉपर ट्विन सिलेंडर इंजन मिल जाता है, या कहें दो सिलेंडर का इंजन मिल जाता है। ये आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाएगी कुछ इस तरीके की, विल्ड कूलिंग के साथ कूलेंट भी इसके अंदर डलता है। और लाइट्स की बात करते हैं ना, तो कुछ इस तरीके की लाइट्स मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में। सराउंडिंग में कुछ सिल्वर का क्रोम हो रखा है, क्रोम कुछ लग रखा है। यहाँ सस्पेंशन है, सुपर बाइक्स के सस्पेंशन भी बहुत अच्छे होते हैं, सस्पेंशन कहें वेट वगैरह बहुत ही ज़्यादा होता है बाइक के अंदर। और ये बाइकें ऐसी होती है प्रॉपर गियर्स के साथ चलाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये ऐसी बाइकें ले रहे हैं ना, तो आप प्रॉपर गियर्स के साथ चलाएं, हेलमेट ग्लव्स और सूट और जो बूट्स वगैरह होते हैं उसको पहन के अगर आप चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इन बाइकों को चलाने के लिए, क्योंकि ऐसी बाइक है ना आपको रिस्क में भी डाल सकती है और आपको इंजॉय भी करा सकती है। तो इस बाइकों को ना, ऐसी बाइकों को आप आराम से चलाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसके वजह से आपको इंजॉयमेंट भी प्रॉपर मिलेगी और कभी भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं वाली। मेरी बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो थम्स अप देना, है ना। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी कावासाकी की Z650 RS, मुझे कमेंट में बताना। और ये ग्रीन ब्यूटी आपको कैसी लग रही है 650 में, और इसका प्राइस आपको कैसा लग रहा है, और अगर आपने इसको रोड पे चलते हुए देखा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और ऐसी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी ये वीडियो, थोड़ी छोटी सी थी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक्स फॉर watching this video।